सब्जियां हमारे शरीर को पोषण देने का काम करती है और खासकर हरी सब्जियां तो हमारी सेहत के लिए एक दवा की तरह भी काम करती है। दरअसल सब्जियों में कई तरह के विटामिन्स, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो शरीर को सही पोषण देने के साथ साथ हमें बहुत सी बीमारियों से बचाए रखने में भी काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन जो लोग किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सभी तरह की सब्जियों को खाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कई सब्जियां पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस से भरपूर होती है जो किडनी की बीमारी में नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर किडनी की बीमारी में कौन सी सब्जियों को खाया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें किडनी की समस्या में खाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं किडनी की बीमारियों में खाए जाने वाले 5 बेस्ट सब्जियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किडनी की बीमारी में खाए जाने वाली पहली सब्जी का नाम है पत्ता गोभी। दरअसल पत्ता गोभी में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी कम होती है, साथ ही खाने में बेहद ही टेस्टी भी लगती है। तो अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो डॉक्टर की सलाह से आप पत्ता गोभी का सेवन कर सकते हैं। दूसरी सब्जी है फूल गोभी। जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी रोगियों को सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस से भरपूर सब्जियों को खाने से दूर रहना चाहिए और ये तीनों ही चीज़ें फूल गोभी में बेहद ही कम मात्रा में होती है, इसलिए अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो फूल गोभी को खाना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरी सब्जी है हरी शिमला मिर्च। अब कई लोगों को ये सब्जी बेहद टेस्टी लगती है तो कुछ लोग इसे देखकर अपना मुंह फुलाने लगते हैं, मगर हरी शिमला मिर्च भले ही कुछ लोगों को खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती हो पर इससे होने वाले फायदे बेहद ही लाजवाब होते हैं। दरअसल हरी शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट और कई ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो किडनी की बीमारी में फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ कैंसर से बचाव, खून की कमी को दूर करने, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और पेट से जुड़ी समस्याओं को के लिए अच्छी मानी जाती है। अगली सब्जी की बात करें तो गाजर को खाना भी किडनी की बीमारी में फायदेमंद हो सकता है। गाजर में बीटा कैरोटीन, डाइट्री फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपको डैमेज किडनी की समस्या में राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। आखिरी सब्जी की बात करें तो किडनी की परेशानी में आप प्याज का सेवन भी कर सकते हैं। प्याज लगभग सभी घरों में बनाए जाने वाला एक कॉमन सब्जी है। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो किडनी में आई सूजन को कम करने के साथ ही खून में बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो हमारे द्वारा बताई गई इन 5 सब्जियों को आप डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।